को दिखाएंगे कि कितना बड़ा है ये श्रीनिवासम पिलिग्रिम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये नीचे का पार्ट है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है, ये पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर है। ये आप आपका काउंटर रूम का और वो सब। इसके बाद के लेफ्ट साइड में आपको दर्शन काउंटर पास मिल जाएगा। साइड को दिखाएंगे हम आपको, ये मंदिर दिखाई दे, इतना खूबसूरत ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो इससे सीधा जाने के बाद आपको दर्शन काउंटर पास का ये सब दिखाई देता है। और फिर यहाँ से आप जा सकते हो ऊपर रास्ते, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ से लिफ्ट है। आपको सी ब्लॉक में जाना है तो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है दोस्तों। लिफ्ट के अंदर आपको ये सर्विस मैन दिखाई देंगे, ये आपको सर्विस देते हैं। ठीक है दोस्तों, यह दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये कितना बड़ा है। अभी हमने लिफ्ट से आपको सिर्फ लिफ्ट दिखाया है, अभी आपको फिर से हम सीढ़ियों से दिखाएंगे कि कैसा है ये सब। ठीक है, ये देखिएगा, आप सीढ़ियों से भी आ सकते हो यहाँ से ऊपर। ठीक है दोस्तों, ऊपर आने के बाद आपको ये फर्स्ट फ्लोर दिखाई देगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको आराम करने के लिए जगह मिल जाती है। आप देखिए बहुत सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो अगर आपको मिल गया तो आप भी यहाँ रेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लॉकर भी मिल जाते हैं अगर अवेलेबल है तो, क्योंकि यहाँ अवेलेबलिटी का बहुत प्रॉब्लम है। देखिए ये भी बहुत बड़ा है, दिखाई दे रहा होगा आपको तो। ठीक है, आप जब आएंगे तो ये जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे आप रह सकते हो, ग्राउंड फ्लोर पे आप रह सकते हो, आप लेफ्ट राइट साइड पर भी रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको इसी फ्लोर पे आपको मिल जाएगा खाने का हॉल। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ आपको प्रसाद अलग मिल जाएगा। ये देखो वे टू अन्न प्रसादम सेंटर जो है हमारे ठीक सामने। ठीक है दोस्तों, का जो टाइमिंग है तो ये बड़ा पेचीदा टाइमिंग होता है, तो ये आप एक बार यहाँ आने के बाद इनके टाइमिंग तो आप यहाँ आ सकते हो, क्योंकि इसे कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, ये इनके हिसाब से करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा ये हॉल है, और यहाँ आपको फ्री में प्रसाद मिलता है, आपको पैसा नहीं देना पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ से एंट्री होती है, देख सकते हैं आप यहाँ से इन और यहाँ से आउट। ठीक है दोस्तों, और आगे भी ये बहुत लंबा है, हम दिखाएंगे आपको कि कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा है। ये देख सकते हो आप जो हॉल है, देखते हो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ भी लोग रेस्ट करते हैं, मतलब ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे ऑल कॉमन मैन रेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिससे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, क्या है वो आप जब एंटर होंगे, तब एंट्री होने के बाद आपके बैग्स आपके लगेज सब चेक किए जाएंगे। ये चेक करने के बाद आपको यहाँ एंट्री मिल जाती है, ग्राउंड फ्लोर पर भी रह सकते हो और फर्स्ट फ्लोर पर भी।
फर्स्ट फ्लोर पे आपको लॉकर्स की अवेलेबिलिटी रहती है, अगर अवेलेबल है लॉकर तो आप मिल जाएंगे। और ए बी सी ये पूरे डिवीज़न हैं और सभी डिवीज़न में आपको लिफ्ट दिखाई देंगे। देखिए अभी ये ए ब्लॉक का लिफ्ट है, ठीक है, मतलब क्या आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ भी लोग रेस्ट कर रहे हैं, ये मतलब एकदम आराम से आप रह सकते हो। यहाँ देखो कपड़े सुख रहे हैं लोग, रह सकते हो। टॉयलेट्स मतलब किसी भी चीज़ को आपको कभी नहीं मिल सकते, ये बाहर का एरिया दोस्तों, ठीक है, अभी कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं। अभी ये हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड थर्ड फोर और ये फाइव फ्लोर ब्लॉक के लिए भी आपको जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक के लिए आपको क्या मिलेगा। अब ये देखिए सेलफोन अपडियोस साउंड आपको आधार कार्ड, आपको फ्री लॉकर काउंटर पे जाना है और आपको लॉकर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे लॉकर ले सकते हो, देखिए यहाँ पे ये सभी लॉकर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अंदर लॉकर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लॉकर आपको यहाँ आने के बाद मिल जाएंगे, ठीक है, आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से फ्लोर पे बहुत सी फैसिलिटी है, मतलब जो बिल्डिंग का जो पूरा इंक्वायरी का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आप सीढ़ी से भी ऊपर जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे धूम्रपान निषेध है दोस्तों। ये आ गया अपना थर्ड फ्लोर का रास्ता। आखिर में हम आ चुके हैं 5 नंबर के फ्लोर पे। अभी देखिए पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर है, फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो और फर्स्ट फ्लोर पे, तो दोनों ही फ्लोर का थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, लेकिन सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फाइव फ्लोर टोटल सेम है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इतना बड़ा है, ये आपको हम दिखाएंगे कि पूरा पूरा रूम है दोस्तों।
मिल जाएगी, और अगर रूम बुक नहीं की है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, आपको हर साल से फ्री लॉकर मिल जाएगा, और वहाँ आप लगेज तो नहीं रख पाओगे क्योंकि लगेज बड़े होते हैं दोस्तों, और वो वहाँ आप नहीं रख पाओगे। आप अपना पर्स वगैरह ये सब लॉकर में रख सकते हो क्योंकि लॉकर इतना बड़ा तो नहीं होगा जितने बड़े अपने लगेज होते हैं। ये देखिए पूरा ये बिल्डिंग है, ये सेम स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये डी फ्लोर, ये डी सेक्शन है, मतलब ऊपर एक बार आप आ जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्डिंग में अवेलेबल होगा, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि ये बिल्डिंग आप तो, मतलब ये बिल्डिंग आप जब देखोगे ना तो आप सोचोगे यार क्या बिल्डिंग बनाई, मतलब आप पूरा घूम सकते हो, पूरा मतलब पूरा चक्कर लगा सकते हो आप। एक फ्लोर आप ए बी सी डी चर आपको दिखाई देगा, आप आने के बाद तो देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले भी मैं और हर फ्लोर पे आपको लिफ्ट मिल जाएगा, हर डिवीजन का लिफ्ट मिल जाएगा आपको, ए वाला बी वाला सी वाला डी वाला, ऐसा नहीं है कि इस फ्लोर पे लिफ्ट है उस फ्लोर पे लिफ्ट नहीं, हर फ्लोर पे आपको लिफ्ट अवेलेबल हो जाएगा, और फ्लोर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो दोस्तों। ये जो है हम पूरा बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं, अभी आप डी देख पा रहे होंगे। अभी खास बात बताता होता हूँ मैं आपको, यहाँ का पानी भी पूरा प्योर पानी है दोस्तों, ये देखिए शौचालय, ये सब हर फ्लोर पे आपको सब फैसिलिटी मिल जाएगी हर फ्लोर पे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप मान के चलो आप ग्राउंड फ्लोर पे हो या फर्स्ट फ्लोर पे हो और आप यहाँ आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नहीं आ सकते, ऐसा कोई बंधन नहीं है दोस्तों। आपके पास एंट्री नहीं है तो फिर आप ऊपर नहीं आ सकते हो, या फिर आपको ऊपर आना मना है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी ये हम देखिए यहाँ से एंटर होने के बाद मैंने आपको दिखाया लेफ्ट साइड, अभी यहाँ से इंटर होने के बाद हम आपको दिखाएंगे राइट साइड। ठीक है दोस्तों, ये देखिए राइट साइड, यहाँ बी या पूरा चक्कर लगा सकते हो आप और यहाँ से आओगे। ठीक है, और बी के बगल में आता है दोस्तों ए वाला, अभी हम दिखाएंगे, अभी वहाँ से हम जाते तो यहाँ से आते हैं, और यहाँ पे जो ए ब्लॉक है दोस्तों, यहाँ पे ए ब्लॉक पे आपको आने के बाद आपको आपके रूम की जानकारी दी जाएगी दोस्तों, मतलब जो ए ब्लॉक है यहाँ से अगर आते हैं आप तो आपको रूम की जानकारी देने के लिए काउंटर पे एक आदमी दिखाई देगा। देखिए ये जो भाई साहब है ये आपको रूम के बारे में जानकारी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा कि ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखिए शौचालय, मतलब हर 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 सुविधा उपलब्ध है आपको यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, असम कॉम्प्लेक्स में आने के बाद जो आपको रूम मिलते हैं, ये रूम बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आप देख सकते हो, देखिए दो बेड के साथ ये रूम होते हैं, आपको जितने भी लगेज आप सब वहाँ रख सकते हो और आप एकदम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है ये बाथरूम है, ये भी एकदम बढ़िया से वहाँ पे आपको सब सुविधाएं मिल जाएगी। ये जो रूम है दोस्तों ये आपको मिल जाती है 200 रुपीज़, और मैं आपके लिए जो एसी रूम होती है यहाँ पे अगर भी हमने इसको भी लिया है तो ये एक ही दिन का मिलता है दोस्तों रूम, और उसके बाद आपको दूसरा रूम लेना पड़ता है या फिर रूम रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों,
अभी आपको हम दिखाएंगे एसी रूम। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये C510 C511 ये जो है एसी रूम है दोस्तों। यहाँ भी आपको डबल बेड और वही सिमिलरिटी मिल जाएगी। यहाँ पी से सब बिजली सब स्टार्ट हो जाता है, सब आपको मालूम हो जाएगा आने की बात। और यहाँ पे एक आपको चेयर एक टेबल मिल जाएगा, और ये आपको शीशा मिल जाता है, और ये रहा आपका एसी। उसके बाद आपको मिलते हैं ये बाथरूम, ये है आपका बाथरूम। ठीक है दोस्तों, ये बाथरूम आपको मिल जाता है, और उसके बाद आपको मिलता है ये वॉशरूम। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो था वो सिंपल था, और यहाँ पे एक कमोड वाला है। ठीक है दोस्तों, ये सब थोड़ा बहुत पर आपको दिखाई दे रहा है रूम में, और वो रूम मैं इसीलिए दोनों भी रूम ले रहा था कि आपको ठीक तरीके से दिखा सकूँ क्या फ़र्क है क्या फ़र्क नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, वेलकम टू तिरुपति।